जब भी हम बैटरीज के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, दैट इज लिथियम आयन बैटरीज। इसके अलावा हमारे इस न्यू स्टार्टअप्स ने और भी काफी इनोवेटिव तरीके से बैटरीज को डेवलप की है जहाँ पर हमें लिथियम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होती हैं। इनके बारे में भी मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब IIT रुड़की के अलुमनाई ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिसे चार्ज ही नहीं करना पड़ता, दैट इज एल्यूमिनियम फ्यूल सेल बैटरी विच इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और फ्यूचर में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी फिलहाल बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, फ्रॉम Hyundai टू Porsche, इसके साथ ही फरारी जैसी बड़ी कंपनीज जो कि हाई एंड स्पोर्ट्स कार के लिए मशहूर है, तो ऐसी सारी कंपनीज भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ पलायन करती जा रही है। और मेजरली अगर हम देखें तो लिथियम आयन बैटरीज का अब आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा डोमिनेशन है बिकॉज ऑफ इट्स प्रूवन टेक्नोलॉजी। लेकिन बेंगलुरु की एक स्टार्टअप ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे जानकर काफी लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस एल्यूमिनियम फ्यूल सेल बैटरी के बारे में, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और हम एक काफी इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन भी करेंगे विद लिथियम आयन बैटरीज के साथ, और फाइनली मैं आपको इसके फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस एल्यूमिनियम फ्यूल सेल बैटरी के फाउंडर है अक्षय सिंघल और इनकी एक वेबसाइट है Log9 Materials। यहाँ पर अक्षय सिंघल और कार्तिक हजेला जो कि मेटलर्जिकल और केमिकल इंजीनियर है फ्रॉम IIT रुड़की, तो इनका काम करने का एक काफी अलग ही तरीका है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम एक रिवर्स वे में काम करते हैं जहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बेस पे हम चीजों को डेवलप करते हैं, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली जो वो चीज बनाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव तो बनी जाती है। और यहाँ पर इन्होंने Log9 बैटरी AKA एल्यूमिनियम फ्यूल सेल को भी इसी तरीके से बनाया है, और अब स्टार्टअप चाहता है कि वो जल्द ही अब बैटरी के मार्केट में भी अपनी एंट्री सुनिश्चित करें। और कोई माने या ना माने, बट डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि जब मैं आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स और मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा तब आप डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। तो अब बात करते हैं कि इस एल्यूमिनियम फ्यूल सेल को किन किन चीजों से बनाया गया है। तो बेसिकली आप शॉक हो जाओगे, इसे बस तीन चीजों से ही बनाया है, दैट्स इट। पहला है एल्यूमिनियम, सेकेंड वाटर और तीसरा ग्राफीन। तो अब मैं काफी सरल भाषा में इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्राफीन की लेयर्स हैं तो उनके बीच में पानी को लाया जाता है, राइट। और जब ये पानी एल्यूमिनियम शीट्स के कांटेक्ट में आ जाता है तब यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसे हम कोरोडिंग कहते हैं, यानी कि जंग लगना। और इसी एनर्जी, इसी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए इस बैटरी को पावर मिलती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस स्टार्टअप का बस एक स्टार्टिंग में मेन फोकस था, दैट इज टू जनरेट एनर्जी, और वो यहाँ पर पूरी तरह से सफल हो पाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वाटर पास होता है विद एल्यूमिनियम तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी एनर्जी को यहाँ पर इन्होंने यूटिलाइज किया है। और यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फ्यूल सेल के बॉटम में डिपोजिट हो जाता है इन पाउडर फॉर्म में, और इससे भी हम बाद में रिसाइकल कर सकते हैं एट अ स्मेल्टर, जिससे हम फिर से नई बैटरीज को बना सकते हैं। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम यूज किया जाता है वो रेक्टेंगुलर शेप में यूज होता है, लाइक कैसेट्स, लाइक समथिंग आप कह सकते हो। और हर 300 किलोमीटर के बाद आपको इन्हें चेंज करना पड़ता है, दैट मीन्स आपको एल्यूमिनियम शीट्स बदलनी पड़ती है। सो दिस इज रियली डेफिनेटली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसके साथ ही आपको कोई भी बैटरी का कुछ झंझट ही नहीं है, चार्जिंग टाइम एंड ऑल, नथिंग लाइक दिस। 300 किलोमीटर आपका ड्राइव करके हो गया, आपको बस शीट्स को चेंज कर देना है एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो फॉर अनदर 300 किलोमीटर। बस 5 मिनट में आप रेडी हो जाते हो। और वहीं पे अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को देखें तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे तो उसे चार्ज करने में ही लग जाता है, और वहीं अगर आप फास्ट चार्जर को यूज कर रहे हो तब जाके आपको कुछ आधा या 1 घंटे का समय लगता है। और मटेरियल्स की भी बात करें तो यहाँ पर हमें एक काफी ज्यादा लीड है, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में एल्यूमिनियम ओर्स का तो पूरा भंडार ही मौजूद है, और वहीं लिथियम आयन बैटरीज के लिए हमें लिथियम और कोबाल्ट, जो कि हमारे कंट्री में स्कैर्सली अवेलेबल है, तो इसके वजह से हमें चाइना से ये सारे मटेरियल्स इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। तो व्हाई नॉट वी स्विच टू दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो ये तो बात होगी इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ, और ये एग्जांपल तो खुद इन्होंने, सिंघल जी ने ही दिया है, तो वही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सपोज अगर बस है जिसका वजन है 10 टन्स का, तो अगर उसे इलेक्ट्रीफाई अगर हम कर दे, उसमें लिथियम आयन बैटरीज को लगा दे, तो वो लिथियम आयन बैटरी का वजन होगा 2 to 2.5 टन्स, राइट। तो अब ये 12.5 टन्स की बस ज्यादा से ज्यादा 100, 150 या 200 किलोमीटर तक जा सकती है।
लेकिन अगर हम इसमें हमारी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिसका वजन भी सेम ही है, अराउंड 1.5 टू 2 टन्स का ही होगा, और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि इसका जो एनर्जी पर केजी है वो 7 से 8 गुना ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, एंड दिस इज व्हाट मेक्स स्पेशल। और यहाँ पे ये तो दावा कर रहे हैं कि इनकी ये बैटरी 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मिनिमम एटलीस्ट 500 से 600 किलोमीटर तक तो ये बस आराम से जा सकती है। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी लिथियम आयन बैटरीज हैं तो उसमें कुछ फ्लैश चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी रिसेंटली हमें देखने को मिली है, जहां पर हम 5 मिनट में 2 से 2.5 किलोमीटर जितने चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको बस 5 मिनट में जो भी एल्यूमिनियम प्लेट्स हैं तो उन्हें रिप्लेस कर देना है, इसके बाद यू आर गुड टू गो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी डीजल की बसेस हैं तो उसमें भी लगभग 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है, और इलेक्ट्रिक की बात करें तो नॉर्मली तो 2.5 से 3 घंटा लग ही जाता है विद फास्ट चार्जिंग, और अगर नॉर्मल रेगुलर चार्जिंग की बात करें तो 6 से 7 घंटा लगना तो काफी कॉमन है। और जिस तरह से अब हमारे देश में लिथियम आयन बैटरीज का जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हम बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स बाहर के देशों में खर्च कर दे रहे हैं जस्ट टू इम्पोर्ट लिथियम आयन बैटरीज, लेकिन हमारे देश में ही इतने सारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स मौजूद है, अगर हम उनके ही टेक्नोलॉजी को रैपिड मास स्केल में प्रोडक्शन करना शुरू कर दें तो हमारे बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स बच जाएंगे। फिर इसके बाद जो हम अक्सर देखते हैं कि जो ट्रेड डेफिशिएट है वो हर साल चाइना के साथ हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इंडिया को बड़ा घाटा हो रहा है, तो ये भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम नॉर्मली देखते हैं फ्यूल स्टेशंस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस मौजूद होते हैं, तो इसी तरह से वो रिप्लेसमेंट सेंटर्स को भी सेटअप करेंगे। और जिस तरह से आप देखते हो कि फ्यूल स्टेशंस में अक्सर जो पेट्रोल या डीजल, सीएनजी ये सब स्टोर करने के लिए सेक्शंस बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत और हाईटेक होना चाहिए, और चार्जिंग स्टेशंस में भी सफिशियंट चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, स्पेस चाहिए वहां पर। लेकिन यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेंटर में आपको एल्यूमिनियम शीट्स की रिक्वायरमेंट है और कुछ स्किल्ड वर्कर्स की जो कि इन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और काफी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि जो भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं तो उसको कूल्ड रखने के लिए हमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, कूलिंग मेम्ब्रेन, या फिर हमें एक टाइप के पाइपिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है जिससे कूलिंग लिक्विड फ्लो होता है, जिससे बैटरी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये अक्सर काफी ज्यादा कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस टाइप का कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ही वाटर है, विच इज सफिशिएंट एनफ टू मेंटेन द टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर एक काफी बेहतरीन लीड मिलती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, साथ ही में जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी इंडिया में काफी अबंडेंटली मौजूद है, जिसके चलते अगर हम इसे मैन्युफैक्चर करें इंडिया में ही तो कॉस्ट तो डेफिनेटली कम होने ही वाली है, साथ में रिप्लेसमेंट सेंटर्स में भी हमें कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे बेहतरीन भला और क्या हो सकता है। तो अब फाइनली यहाँ पर 45 लोगों की एक टीम एट Log9 Materials इस एल्यूमिनियम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को जल्द ही रोड में लाना चाहती है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो सक्सेसफुल हो पाए टू लॉन्च दिस। यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि वो OEMs के साथ बातचीत में लगी हुई है, जिसके चलते अब जल्द ही हमारे फर्स्ट क्वार्टर में ही इसके ट्रायल रन्स को शुरू कर दिया जाएगा, इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस साल के भीतर ही हमें ये देखने को मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर हम ग्लोबली बाकी के देशों में भी देखें तो वहाँ पर जो टॉप कंपनीज है तो वो एयर बेस्ड फ्यूल सेल के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी हुई है, और यहाँ पर खुद टेस्ला भी कह चुका है 2017 में कि वो इन्वेस्ट करेंगे जो भी अल्टरनेट बैटरी टेक्नोलॉजीज उसे डेवलप करने में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सारे डेरिवेटिव्स लॉन्च होने वाले हैं। और यहाँ पर जो US बेस्ड कंपनी है अर्थ डास, तो उन्होंने भी लगभग $1 बिलियन की फंडिंग करके रखी हुई है, इसके साथ ही उन्होंने लगभग 3000 ग्राफीन बैटरीज भी बेची है जो भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको, और साथ में ये अपने बिजनेस को यूरोप, हांगकांग और जापान तक फैला चुका है, और एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी में इसका काफी नाम भी है। और मैं फाइनली बता दूं कि 2019 में ये जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी थी Log9, तो इन्होंने एक काफी मेजर वैलिडेशन भी गेन किया था, और ये सिलेक्ट हो गए थे फॉर सर्च, जो कि एक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम रन किया जाता है बाय टॉप वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया कैपिटल, जिसकी वजह से उन्होंने 3.5 मिलियन के फंड को रेज किया फ्रॉम सिकोया एंड एक्सपेनिटी वेंचर पार्टनर्स। यहाँ पर श्री हर्षा जो कि इंडियन मार्केटिंग डायरेक्टर है एट Dassault सिस्टम्स, जी हाँ वही Dassault कंपनी जो राफेल जेट्स को बनाती है, तो उन्होंने भी कहा है कि Log9 हमारे पोर्टफोलियो में एक काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है टू चेंज द एनर्जी सेक्टर, और इसी की वजह से उन्होंने 2019 में Log9 कंपनी को पिक किया फॉर इट्स टेक्नोलॉजी मेंटोरशिप प्रोग्राम।
तो पूरे वर्ल्ड में अब क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और मेटल एयर बैटरीज को एक काफी मेजर प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है इन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस। तो ये था एक काफी बेहतरीन इनोवेशन जो कि दो इंडियंस द्वारा किया गया है। आपको क्या लगता है इस इनोवेशन के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसे इन्वेंशंस भी इंडिया में मौजूद है जो पूरे दुनिया को बदलने का दम रखते हैं।